हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमें पेज नंबर 194 निकालना है। चलो उस पर देखते हैं। शॉपिंग, क्या लिखा है यहाँ? शॉपिंग, यू कैन विजिट दिस सेल्फ सर्विस स्टोर। अपने सेल्फ सर्विस स्टोर है, वहां विजिट किया होगा। तो यहां देखो, आपको बॉल, टॉप, कार, जिराफ, ऐसे टॉयज है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ, विदाउट यूजिंग अ पेंसिल और पेपर फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ। आपको क्या करना है, पेंसिल और पेपर के बिना आपको कॉस्ट फाइंड करनी है। तो चलो यहाँ लिखा है वन बॉल एंड वन टॉय कार। चलो क्या लेना है, वन बॉल जिसके 7 रुपीज है और वन टॉय कार उसके 15 रुपीज है। तो 7 + 15 कितने हो गए स्टूडेंट्स, कितने हो गए 7 + 15? 22। ओके, तो यहां लिखना है 22 रुपीज, आर मतलब रुपीज। नेक्स्ट, वन नोटबुक एंड टू पेंसिल। वन नोटबुक की प्राइस है 5 रुपीज और पेंसिल, एक पेंसिल की प्राइस 2 रुपीज 50 पैसे है। तो कितनी लेनी है हमें, 2 पेंसिल। तो 2 की कितनी होगी स्टूडेंट्स, 2 + 2 = 4 और 50 पैसे 50 पैसे मतलब 1 रुपीज, यानी 5 रुपीज पेंसिल के। तो 5 रुपीज पेंसिल के और 5 रुपीज नोट के कितने होंगे, 10 रुपीज। तो यहां क्या आएगा, 10 रुपीज। चलो नेक्स्ट, 2 bananas एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क। क्या लेना है, 2 banana लेना है और 1 glass मिल्क लेना है। चलो 2 banana लेने हैं तो कितने पैसे हो गए, 1 के 1 rupees 50 paise है। तो 1 1 2 50 paise 50 paise मतलब वो 1 rupees, यानी 3 rupees बनाना की, और इसके 3 50 है। तो 3 + 3 = 6 और 6 + ये 50 कितने होंगे स्टूडेंट्स, 6 rupees 50 paise। तो यहां आएगा 6 rupees 50 paise, आर मतलब रुपीज, पी मतलब पैसे। नेक्स्ट, 1 doll एंड अ बॉल। क्या लेना है, 1 doll लेनी है और 1 ball लेना है। डॉल की प्राइस 8 rupees, बॉल की प्राइस 7 rupees। चलो 8 + 7 कितने होंगे स्टूडेंट्स, 8 + 7 कितने होते हैं, 15 rupees। तो यहां आपको लिख देना है 15 rupees। आगे है, 1 glass ऑफ लेमन जूस एंड अ पैकेट ऑफ बिस्किट। क्या लेना है, 1 glass ऑफ लेमन जूस, ये रहा लेमन जूस, 1 glass की प्राइस है 3 rupees और यहां पैकेट की, एक बिस्किट की, पैकेट ऑफ बिस्किट की प्राइस है 4 rupees 50 paise। चलो 3 + 4 = 7, 7 rupees 50 paise। तो यहां आपको लिखना है 7 rupees 50 paise। चलो नेक्स्ट पेज, फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको यहां जो कॉस्ट है उसे फाइंड करना है। वन टॉय जिराफ, 1 copies एंड ग्लास ऑफ लेमन जूस। चलो देखते हैं हम, क्या लेना है। देखिए हम कि 1 toy giraffe, क्या लेना है, 1 toy giraffe लेना है। जिराफ की प्राइस 6 rupees 50 paise है। चलो दूसरा क्या लेना है, 1 copy, 1 copy मतलब नोटबुक। तो एक नोटबुक लेनी है और ऑफ लेमन जूस, अ ग्लास ऑफ लेमन जूस, 1 glass लेमन जूस लेना है। तो कितने पैसे हो गए, चलो देखते हैं, 1 glass लेमन जूस। तो जिराफ के 6 50, नोटबुक के 5
और लेमन जूस के 3 रुपीज। चलो कितने हो गए, 650। चलो 6 प्लस 5, पैसे रहने देते हैं, रुपीज गिनते हैं, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 3 14, 14 रुपीज 50 पैसे। तो यहां पहले में क्या आएगा स्टूडेंट्स, 14 रुपीज 50 पैसे। चलो नेक्स्ट क्या लेना है, 1 ग्लास ऑफ मिल्क, 1 पैकेट ऑफ बिस्किट एंड अ बनाना। 1 ग्लास मिल्क लेना है, 1 पैकेट बिस्किट लेना है और बनाना लेना है। चलो देखते हैं प्राइस कितनी है उसकी। चलो देखते हैं मिल्क उसकी प्राइस 3 रुपीज 50 पैसे, ओके। बिस्किट की है 4 रुपीज 50 पैसे। और दूसरा क्या लेना है, बनाना लेना है एक, तो चलो 3 पैसे रहने देते, 3। चलो ये 4 4 प्लस 4 8 हुए। चलो 50 पैसे 50 पैसे यानी 1 रुपीज, तो 8 प्लस 1 9, 9 रुपीज, और ये 50 बचे तो 9 रुपीज 50 पैसे। यहां क्या आएगा, 9 रुपीज 50 पैसे। नेक्स्ट यहां 1 नोटबुक, 2 पेंसिल एंड 2 इरेजर। क्या लेना है, 1 नोटबुक, 2 पेंसिल, 2 इरेजर। चलो देखते हैं, 1 नोटबुक उसकी 5 रुपीज, 2 पेंसिल और 2 इरेजर। चलो कितने होते हैं, तो 5 रुपीज। चलो 250 कितने होते हैं, 5 रुपीज, तो 5 प्लस 5 10, और ये 2 इरेजर, तो 1 प्लस 1 2, 5, ये भी 5 10, और ये 2 रुपीज, तो कितने हो गए, 12 रुपीज। यहां क्या आएगा, 12 रुपीज। नेक्स्ट 2 टॉप, 3 टॉफीज एंड 2 बनाना। क्या लेना है, 2 टॉप, क्या लेना है, 2 टॉप यानी उसके 4 रुपीज, उसके कितने, 4 रुपीज, और ये टॉफीज है तो वो कितनी लेनी थी स्टूडेंट्स, वो लेनी थी 3 लेनी थी, मतलब उसके 1 के 50 पैसे है, तो 3 के कितने हो गए, 50 50 50 यानी 1 रुपीज 50 पैसे। कितने हो गए, 1 रुपीज 50 पैसे। लास्ट में लेना है उसे 2 बनाना। चलो 2 बनाना लेने हैं, तो 1 रुपीज 50 पैसे, 1 रुपीज 50 पैसे यानी 3 रुपीज हुए। तो चलो करते हैं वो टॉप के कितने हुए, 4 रुपीज। चलो इसके कितने हुए, 50 रुपीज है एक का, तो 1 रुपीज 50 पैसे 3 के, बनाना के 2 बनाना लेने हैं तो कितने होंगे, 3 रुपीज, 1 रुपीज 50 पैसे, 1 रुपीज 50 पैसे यानी 3 रुपीज हुए। चलो टोटल करते हैं, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, 8 रुपीज 50 पैसे, 8 रुपीज 50 पैसे लिखुया। नेक्स्ट यहां सी दिया है, व्हाट कैन यू बाय इफ यू हैव अ 20 रुपीज नोट। आप 20 रुपीज आपके पास है तो कौन कौन सी चीजें आप खरीद सकते हो, तो यहां देखो, 1 टॉय कार, 1 लेमन जूस एंड 1 बनाना। ये एक एग्जांपल आपको दिया है स्टूडेंट्स। चलो आगे हमें दूसरे आप अलग से भी बना सकते हो, प्राइस जानकर आप बना लेना। तो चलो देखते हैं, चलो लिखो सभी साथ में, 1 बॉल, 1 बॉल की प्राइस कितनी है, 7 रुपीज, ओके,
वन नोटबुक, वन नोटबुक. चलो 7 + 5 12 रुपीज. और वन डॉल 12 + 8 = 20. तो लिखो यहां, वन बॉल, वन नोटबुक एंड अ डॉल हुए 20 रुपीज. हुए ओके. बॉल के 7 रुपीज, इसके 5 और उसके कितने थे 8 रुपीज थे. 7, 5 और 8 रुपीज. चलो नेक्स्ट लिखना है आपको, टू टॉय जीराफ. लिखो टू टॉय जीराफ, टू टॉप्स एंड टू बनाना. टू टॉय जीराफ, टू टॉप एंड टू बनाना. चलो देखते हैं, टू जीराफ, टू टॉप एंड टू बनाना. चलो उसकी प्राइस करते हैं 6 रुपीज 50 पैसे. 6 रुपीज 50 पैसे कितनी होंगे, 6 6 12 और 50 पैसे 50 पैसे यानी 13 रुपीज. ओके 13 रुपीज. चलो 2 + 2 = 4. 13 + 4 = 17. चलो 17 + 150 150 यानी 3 रुपीज यानी 20 हुए. ओके चलो नेक्स्ट लिखते हम, टू ग्लासेस ऑफ मिल्क. लिखो सभी, टू ग्लासेस ऑफ मिल्क, टू पैकेट्स ऑफ बिस्किट और 4 इरेजर्स. लिखा टू ग्लासेस ऑफ मिल्क, टू पैकेट्स बिस्किट एंड 4 इरेजर. चलो देखते हैं, टू ग्लासेस ऑफ मिल्क 350 350, 3 3 6 सिक्स और 50 50 यानी 1 रुपीज 100 पैसे मतलब यानी 7 रुपीज मिल्क के. फिर क्या लेना था हमें, टू पैकेट्स ऑफ बिस्किट. चलो 4 4 8 और 50 पैसे 50 पैसे मतलब 1 रुपीज तो 9 रुपीज. ओके तो कितने हुए यहां, ये 7 रुपीज और ये 9 रुपीज 16 रुपीज. और इरेजर कितने लेने थे, 4 इरेजर. एक की प्राइस 1 है तो 4 की 4 तो हो गए 20. इसके 7, इसके 9, 7 + 9 = 16, 16 + 4 = 20. नेक्स्ट लिखो, वन टॉय कार एंड वन नोटबुक. एक कार लेनी है और एक नोटबुक. वन टॉय कार और वन नोटबुक देखते हैं. चलो वन टॉय कार की 15 रुपीज और नोटबुक की 5 रुपीज. 15 + 5 = 20 रुपीज हो गया. स्टूडेंट्स आप दूसरे कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो. चलो या यू नीड टू मेक अ कैश मेमो फॉर द थिंग यू. या कैश मेमो बनाना है स्टूडेंट्स, कि मानो कि आपने कोई चीज खरीदी है तो उसकी प्राइस कितनी होगी. देखो यहां मैंने बनाया है, आप कुछ अलग रीत से भी ये बना सकते हो. वन टॉय कार, चलो टॉय कार की प्राइस कितनी थी आप आगे चेक कर लेना, 15 रुपीज थी. रेट पर आइटम एक ही लेना है तो यहां 15, तो यहां 15 रुपीज, यहां पैसे में 0 0. नेक्स्ट टू नोटबुक लेनी है तो एक की प्राइस कितनी है 5 रुपीज, तो दो की कितनी होगी 10 रुपीज. टू पेंसिल्स लेनी है, चलो 1 की प्राइस है 2 रुपीज 50 पैसे, तो 2 की कितनी होगी स्टूडेंट्स, 2 लेनी है. देखो यार 2 2 4 और 50 पैसे 50 पैसे मतलब 1 रुपीज, तो 4 + 1 = 5 रुपीज. ओके
फॉर टॉफीज एक की प्राइस है 50 पैसे। चलो फोर की कितनी होगी, 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 पैसे 50 50 1 रुपीज, दूसरे 50 50 1 रुपीज यानी 2 रुपीज। 2 बनानास लेने हैं तो एक की प्राइस है 1 रुपीज 50 पैसे, तो 2 की कितनी होगी 1 1 2 और 50 50 यानी 100 पैसे यानी 1 रुपीज, तो 3 रुपीज। 1 ग्लास ऑफ मिल्क, मिल्क की प्राइस 3 रुपीज 50 पैसे, तो 1 ग्लास ही लेना है तो 3 आएगा और पैसे में 50 आएगा। चलो इसका एडिशन करना है हमें, यहां देख रहे हो सब में 0 या 50 है तो यहां क्या आ जाएगा 50। नेक्स्ट यहां हम करें 3 plus 3 6 6 plus 2 8 8 plus 5 13 13। चलो यहां टेंस में वंस में 0 है या 5 है तो यहां क्या जाएगा 18, 18 का 8 वन कैरी। चलो 1 plus 1 2 2 plus 1 3 तो यहां 38 38 रुपीज 50 पैसे। आप कोई अलग रीत से भी ये कैश मेमो बना सकते हो। बोथ बिफोर एडिंग फर्स्ट गेस हाउ मच मनी विल बी नीडेड, देन फाइंड द टोटल एंड चेक यू गेस। आपको पहले गेस करके लिखना है फिर चेक कर लिख देना है। तो स्टूडेंट्स आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।